एवरीवन, आज हम बनाएंगे भरवा टमाटर। बहुत ही इजी रेसिपी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। भरवा टमाटर के लिए हमें चाहिए टमाटर, इसको हम खाली कर लेंगे। टमाटर हमारे हार्ड होने चाहिए, सॉफ्ट वाले टमाटर हमें नहीं लेने हैं। आप चाकू की हेल्प से इसको खाली कर सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए ग्रेटेड पनीर, इसमें हम डालेंगे नमक एज़ पर योर टेस्ट, ज़्यादा नहीं डालना है। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च, धनिया पाउडर, चाट मसाला, ये ड्राई फ्रूट्स लिए हैं मैंने, काजू, बादाम, किशमिश। इसके बाद मैंने लिए कस्तूरी मेथी, अच्छे से मिक्स करें। टमाटर में फिल कर लेंगे, अच्छे से फिल करना है, स्टफिंग फिल करने में कंजूसी ना करें। देखिए कितने अच्छे से फिल हो रखे, इसको दबा दबा कर अच्छे से स्टफ करना है, खाली नहीं होने चाहिए ये। इसके बाद हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, इसमें हम डालेंगे जीरा, हल्दी, धनिया पाउडर, हींग। इसके बाद यहाँ पर हम लेंगे टमाटर, ये मैंने कटे हुए टमाटर लिए हैं। इसके बाद मैंने इसमें थोड़े से काजू डाले हैं, इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको हम थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे। इसके बाद हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे दो, और ये मैंने टमाटर की जो खाली करके पल्प लिया था वो डाल दिया है। अभी मैं इसे 2 मिनट के लिए पकाना है, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी डाला है। हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है, अब इसको हम ठंडा होने के बाद ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करते समय इसमें आधा ग्लास पानी डालना है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें ऑयल गर्म करेंगे, इसमें जो हमने प्यूरी बनाई थी वो सारी इसके अंदर हम डाल देंगे। अब जो हमारी स्टफिंग बची थी वो भी हम इसमें डाल देंगे, अगर स्टफिंग नहीं बची तो कोई बात नहीं। इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। इसके बाद एक उबाल आने तक इसको चलाएंगे, फिर हम इसमें टमाटर डाल देंगे सारे। मैं नमक डालना भूल गई थी इसलिए मैं अब डाल रही हूँ, आप टमाटर डालने से पहले ही डाल दें। इसके बाद हम इसको ढक के 5 मिनट के लिए पकाएंगे, बीच में हमें इसको चेक कर लेना है। इसके बाद हम इसको पलट के दूसरी साइड से पकाएंगे 5 मिनट के लिए। ये हमारे स्टफ टमाटर तैयार हो चुके हैं, इसके बाद हम इसको सर्व कर लेंगे। इसको आप पनीर के साथ और कसूरी मेथी के साथ थोड़ा सा डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।